इस गाड़ी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये गाड़ी जो है ये सौरभ गांगुली की गाड़ी है। क्या बोल रहे हैं आप? यस, ये तो चौंका दिया लास्ट में आप। गाड़ी जो है मैं सबसे सस्ता देता हूँ, तो ये बात समझना कि कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है अपने घर में, सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर जो सस्ता दे रहा बहुत ज्यादा, समझिए कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ है। 365 में भाई ये वरना आपको मिल जाने 65,000 इस गाड़ी में नेगोशिएट नहीं कर सके। प्राइस आप एक बार पूरा मार्केट में पता कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं सबसे सस्ता देता हूँ, ठीक है। सस्ता देखिए, सस्ते का है प्राइस इसका होने वाला है 6,55,000 रुपया। 6,55,000 है फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर 4x4, 4x4 सब पेपर्स वैलिड, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2011 की गाड़ी है, टॉप मॉडल हाईलाइन। मतलब ये मेरे को लग रहा है भाई रैपिड ऐसा क्यों लग रहा है? इसका प्राइस होने वाला है 1,90,000 रुपीज। 1,90,000 में 1,00,000, 1,20,000 में ऑल्टो मिलता है भैया, 1,90,000 में आपको ये गाड़ी का प्राइस होने वाला है 2,75,000 रुपीज। इस दाम में आप मार्केट में पता करके देखिए, ZDI अगर गाड़ी मिले तो। क्या गाड़ी है? सच बोल रहे हैं आप? एकदम सच बोल रहे हैं, आके देख लीजिएगा। ये एक जरा से हम दिखा दे रहे हैं, बहुत सारे डीलर्स हाइड करते हैं, बट हम इसको फोकस करके दिखा रहे हैं। ये जरा सा स्क्रैच है, ये हम करवा देंगे। 4,65,000 में ऑटोमेटिक क्रूज, व्हाइट कलर विद सनरूफ। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज जो हम गाड़ी आपको दिखाने वाले हैं ना, काफ़ी कमाल की गाड़ी दिखाने वाले हैं। जो भाई खोज रहे हैं ना इको स्पोर्ट्स, तो तीन इको स्पोर्ट्स दिखाएंगे। फॉर्च्यूनर बहुत दिनों से नहीं दिखाया था, तो आज एक फॉर्च्यूनर दिखाएंगे, न्यू नहीं, ओल्ड शेप वाली, क्योंकि हर किसी का बजट नहीं होता न्यू की, तो हमने ओल्ड लेकर अभी आ गया। तो चलिए फिर आज हम मिलते हैं, हम आ गए कोहिनूर मोटर में, और आज हम मिलेंगे चंदन भैया से। चंदन भैया कैसे हैं आप बताइए? बस भैया चल रहा। क्या क्या कलेक्शन दिखाने वाले हैं? मैंने तो कहा तीन इको स्पोर्ट्स लेकर आ गए हो। हाँ, 3-4 इको स्पोर्ट्स है, स्विफ्ट है, सब मिड रेंज का गाड़ी है। अच्छा। जो कि आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा। और ये क्या, ये फॉर्च्यूनर अफोर्डेबल हो? फॉर्च्यूनर भी लाया हो क्या? फॉर्च्यूनर भी है, 2009 की गाड़ी है वो। अच्छा। 4x4। कितने कलेक्शन दिखाओगे? तकरीबन 12-13 गाड़ी है। अच्छा। और भी है, दूसरा जगह पे है। कंडीशन कैसी रहती है पूरी? सब गाड़ी का कंडीशन सही है। मतलब कोहिनूर मोटर देता क्या है, वो थोड़ा डिटेल बता दो कोई अगर जानना चाहे। लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा। और देखिए प्री ओन्ड कार है, तो थोड़ा मेंटालिटी ऐसा रखना होगा कि थोड़ा बहुत अगर माइनर कुछ काम भी है कोई गाड़ी, तो वैसा मेंटालिटी रखना होगा कि हाँ वो थोड़ा बहुत रहेगा, अगर उसको लेकर कोई इशू होगा तो हम लोग फिक्स करके देंगे। अच्छा। और सब गाड़ी का जितना भी गाड़ी हम लोग जो भी कस्टमर को देंगे, सब गाड़ी का पॉलिशिंग और सर्विस करके हम लोग देंगे, और आपका जो थ्री फ्री सर्विस रहेगा फॉर वन ईयर। वन ईयर? हाँ। और गाड़ी लेने के बाद अगर कोई कस्टमर, ऐसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी बेच दिए फिर अपना हाथ छुड़ा लिए, गाड़ी लेने के बाद अगर कोई कस्टमर इन फ्यूचर वो गाड़ी बेचना भी चाहता है, तो वो 75% बाय बाय गारंटी हम लोग देते हैं। कभी भी एक साल के अंदर 75% प्राइस उसको मिल जाएगा। अगर जब बेचना चाहे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब ले लिया, अब किसको बेचे, कोई दूसरा दाम सही नहीं दे रहा, तो वो सब चीज़ का टेंशन नहीं है। सही बात है। 25% मतलब एक साल में सिर्फ 25%, अगर आप 1,00,000 का गाड़ी ले रहे हो तो सिर्फ 25,000 या 10,000-20,000 माइनस हो रहा है, बस ठीक है। ये बाकी 75 आराम से चला के मिल जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब बेचने जाएंगे तो दाम सही नहीं मिल रहा है, 1,00,000 का गाड़ी लिए कोई 50,000 दे रहा, कोई 60,000 दे रहा। अच्छा। तो वो सब नहीं है, वो सब नहीं। हाँ, वो सब टेंशन फ्री रहेगा। तो ये लोकेशन एक बार देख लो भाई, ये कहाँ पे जरा बता? है आपका पार्क सर्कल 7 पॉइंट, अपोजिट जी शान रेस्टोरेंट। तो एड्रेस भी बहुत ही ईजी है भाई, एकदम पार्क सर्कल 7 पॉइंट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये चंदन भैया यहाँ से, ये इको स्पोर्ट्स कब की है? 26 तक का टैक्स है, फुल गाड़ी बम्पर टू बम्पर पूरा ओरिजिनल है, 35,000 चला हुआ है विद सर्विस रिकॉर्ड। क्या बात है, सर्विस रिकॉर्ड? हाँ, सर्विस रिकॉर्ड, टाइटेनियम विद पुश स्टार्ट, एयरबैग, ABS, CVD, क्रूज कंट्रोल, सारा फीचर्स है इसमें, ठीक है। चिल्ड AC, कोई भी पार्ट गाड़ी का टचअप नहीं हुआ है, कोई भी पार्ट टचअप नहीं, पार्ट टचअप नहीं है, विद एक्स्ट्रा फिटिंग भी है गाड़ी में, ठीक है। सीट कवर्स तो ऑलमोस्ट न्यू लग रही है, लेदर सीट कवर है, लेदर रैप आपका स्टेयरिंग कवर है। और क्या ये पुश बटन स्टार्ट है? पुश बटन स्टार्ट है। अच्छा। इसमें आपका ABS भी आता है, एयरबैग भी आता है, ठीक है, और AC वगैरह तो ये सब तो हर गाड़ी में अवेलेबल रहता है। और ये कॉम्पैक्ट SUV में जो इको स्पोर्ट हम आज हम लोग इसलिए लेके आए हैं, इतना सारा जिस रेंज में इको स्पोर्ट में जितना सारा फीचर्स मिल जाता है कॉम्पैक्ट SUV में, वो शायद और कोई गाड़ी में नहीं मिल सकता। अगर आप होंडा का WRV लीजिए या हुंडई क्रेटा लीजिए, आपका 6,00,000-7,00,000 में, 6,00,000-7,00,000 तो आपका 4,00,000-4,50,000-5,00,000 में आपका इको स्पोर्ट आ जाएगा, ठीक है। फीचर सब है। कब की है ये? 2016 की है, 26 तक टैक्स है, फर्स्ट ओनर, डीजल में है ना ये? डीजल पुश बटन। चलिए डीजल में 35,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। चलिए फिर प्राइस पे आते हैं, इसका प्राइस पड़ेगा 5,10,000 रुपया। 510 ओनली 510, 35,000 चला हुआ, नया का दाम है 13-13.5 लाख रुपया, और गाड़ी में कुछ करना नहीं है, ओरिजिनल पेंडा गाड़ी है, सिर्फ डीजल डालिए और यूज़ कीजिए। इसका लेके भी कोई टेंशन नहीं है, 3 फ्री सर्विस है फॉर 6 मंथ्स,
ठीक है। फिर जब आपको अगर रीसेल भी करना है उसके लिए भी टेंशन नहीं है, 75% मिलेगा, 75 to 80% आपको मिलेगा विद गारंटी, बस गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। राइट, अब इसके बाद चलते एक फॉर्च्यूनर की तरफ। ये फॉर्च्यूनर कब की होगी चंदन भैया? 80,000 चली हुई, 9 की है, 2009 की है, 2024 तक टैक्स पेड है, इंश्योरेंस भी वैलिड है, 4x4 है, 4x4 है, 4x2 नहीं है, 4x4 है गाड़ी, देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन, सिर्फ पॉलिशिंग वगैरह बाकी है वो हम लोग करा देंगे, गाड़ी मैकेनिकल भी कोई काम नहीं है, एसी स्टीयरिंग सस्पेंशन सब ठीक है, और इसका दाम आपका कंडीशन मतलब है ना अभी भी, देखिए ना आप टायर वगैरह दिखाइए सब, गाड़ी का कंडीशन देखिए, स्क्रैचलेस है, सिर्फ पॉलिशिंग करना है बस, सिर्फ पॉलिशिंग करना है बस। तो चलिए प्राइस पे आते हैं, इसके प्राइस इसका होने वाला है 6,55,000 रुपया, 6,55,000 में फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर 4x4, 4x4 सब पेपर्स वैलिड, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 6,55 में भाई जिसका शौक है फॉर्च्यूनर का वो पूरा कर सकते हो यहाँ पे, किंग ऑफ एसयूवी बोला जाता है इसको, किंग ऑफ एसयूवी भैया ने ठीक बोला। और ये गाड़ी देखो यहाँ पे कंडीशन में गाड़ी लग रही है पूरी। अब इसके बाद चलते हैं, कौन सी गाड़ी देखेंगे चंदन भैया? वरना देखेंगे क्या? अब आगे भाई व्हाइट कलर की एक वरना की तरफ, ये वरना है 2014 की दिसंबर की गाड़ी है, क्या बात है, ठीक है, 14 की दिसंबर, 14 दिसंबर मतलब समझिए 15 का ही है, 24 दिसंबर तक टैक्स है, इसमें 20,000 से 25,000 रुपये का आपका एंड्रॉयड टच स्क्रीन एक्स्ट्रा फिटिंग फिटेड है, अलॉय व्हील है, एयरबैग है, एबीएस है, स्टीयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स है, सारा फीचर्स है, गाड़ी कंडीशन भी इमैकुलेट कंडीशन है, एसी वगैरह पूरा चिल्ड है, मैकेनिकल एक रुपया काम नहीं है, पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल है, पेट्रोल में है। किलोमीटर कितने चल गई है? किलोमीटर चला हुआ आपका 62-65,000 के करीब में, 65,000 के करीब में, और पेट्रोल के लिए 60-65,000 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कंडीशन बता दो फटाफट, ये अलॉय है इसमें? हाँ, ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल 1.6 SX है, अच्छा 1.6 SX है, 14 दिसंबर 24 दिसंबर तक टैक्स विथ एक्स्ट्रा फिटिंग विथ वर्थ अराउंड 25,000। तो प्राइस पे आते हैं, फिर प्राइस इसका होने वाला है आपका 3,65,000 रुपीज़, 365 में भाई ये वरना आपको वरना मिल जाने, 3,65,000 इस गाड़ी में नेगोशिएट नहीं करने का है, गाड़ी ये गाड़ी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, आप मार्केट में देखिएगा 4-4.5 लाख के नीचे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगली कार की तरफ चलते हैं। अब आते भाई, हमने एक इको स्पोर्ट देखा, फॉर्च्यूनर देखा, वरना देखा वाइट कलर की, अब एक और इको स्पोर्ट भाई, मतलब इको स्पोर्ट तो अभी मिल नहीं रही है, जहाँ भी मिल रही है भाई गायब हो जा रही है, आपके पास तीन तीन कहाँ से ला दी हो स्टॉक? तीन तीन इको स्पोर्ट देखे, इको स्पोर्ट्स मैं भी डीजल में, मैं खुद पर्सनल यूज करता हूँ इको स्पोर्ट्स, इको स्पोर्ट को ड्राइवर्स कार बोला जाता है, इको स्पोर्ट का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो आपको इवन क्रेटा नहीं दे सकता है, ठीक है, मतलब, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी फोर्ड का जैसे जानते हैं, और जो प्राइस में आपको इको स्पोर्ट में जो फीचर्स मिलता है शायद ही कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी में उस प्राइस में मिले। तो शुरू करते हैं गाड़ी का लेके, तो किलोमीटर बता दो सबसे पहले कितने चली ये गाड़ी? चला हुआ आपका नियर अबाउट 50,000-45,000 के करीब में। इस गाड़ी के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये गाड़ी जो है ये सौरभ गांगुली की गाड़ी है। क्या बोल रहे हैं? यस, ये तो चौंका दिया लास्ट में आप। सौरभ गांगुली के अंकल के नाम पे गाड़ी है। अच्छा। ये एड्रेस जब आप खरीदिएगा देखिएगा उनका आईडी प्रूफ, आपको समझ में आ जाएगा भाई ये गाड़ी सौरभ गांगुली की गाड़ी है भाई, इको स्पोर्ट्स। ये भी गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट में है, कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में, एक रुपया खर्चा, देख लो पूरी ओरिजिनल पेंट में लग रही है गाड़ी, पूरी माइनर है, माइनर है, वो जानबूझ के नहीं किया, पता है कि आप कस्टमर को दिखा के टचअप करोगे, अगर पहले कर देंगे तो फिर वही रिपेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये गाड़ी है आपका 13 दिसंबर की, 23 दिसंबर तक टैक्स है, 23 दिसंबर तक टैक्स है, अभी इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब चीज है, और ये टाइटेनियम ऑप्शनल है, इसमें आपका 6 एयरबैग आता है, 6 एयरबैग विद पुश स्टार्ट, अलॉय व्हील, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम सिंक के साथ आता है, उसके बाद आपका स्टीयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स जो है वो सारा फीचर्स आता है, 6 एयरबैग जो है जिसको सेफ्टी लेना है इको स्पोर्ट के साथ वो भी मिलेगा इसमें। गाड़ी एक बार आप देख लीजिए, गजब की है, अंदर इसमें भी पुश बटन स्टार्ट लग रही है, पुश बटन स्टार्ट है, टॉप मॉडल है जो हमने वो गाड़ी में देखा, वो पुश बटन है लेकिन ये टाइटेनियम ऑप्शनल है, पुश बटन के साथ 6 एयरबैग है, 6 एयरबैग्स। इसका प्राइस होने वाला है 3,95,000 रुपीज़, 395। देखिए टाइटेनियम में पुश बटन आता है लेकिन टाइटेनियम ऑप्शनल में और भी एक्स्ट्रा फीचर्स होता है जो कि नया में 2,00,000 रुपये महंगा होता है टाइटेनियम से, बिल्कुल। तो 395 में अच्छा है, किसकी गाड़ी मिलेगी? ये सौरभ गांगुली गाड़ी है, क्या बात है भाई, देख लो। और गाड़ी कुछ बता रहे थे आप? गाड़ी तो स्क्रैचलेस कुछ बोलना नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं देखना, गाड़ी पूरा डोर टू डोर सील है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आते हैं अगली कार की तरफ जो कि ये स्विफ्ट रेड कलर की, इसमें भी एयरबैग्स दिख रही है मेरे। हाँ, ये टॉप मॉडल है। कब की है ये? ये 2012 की स्विफ्ट ZDI
12 की है, इसमें अलॉय व्हील्स तो न्यू शेप, मतलब 14 तक यही आ रही थी ना, 14 तक यही मॉडल है। 2012 का स्विफ्ट ZDI टॉप मॉडल विथ स्टेयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, एयर बैग, अलॉय व्हील, सारा फीचर्स है, बैक वाइपर वगैरह सब है। अच्छा, गाड़ी भी आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन है, चारों टायर नया है, बैटरी नया है, ठीक है। गाड़ी का टैक्स पेड है 27 तक, इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब पेड है, मतलब 27 तक, 12 की गाड़ी 27 तक, 27 तक टैक्स पेड है। गाड़ी का प्राइस होने वाला है 2,75,000 रुपीज़। इस दाम में आप मार्केट में पता करके देखिए, ZDI अगर गाड़ी मिले तो, ZDI मिले तो भाई मार्केट में पता करके बता दो भैया को। अब इसके बाद आगे एक और इको स्पोर्ट्स, भाई इको स्पोर्ट्स का नाम तो भाई अभी बोलते जाऊंगा आगे। ये है इको स्पोर्ट्स 2013 की नवंबर की, अच्छा 23 नवंबर तक टैक्स है। ये भी टाइटेनियम मॉडल है, ठीक है, टैक्स जो है 23 नवंबर तक टैक्स पेड है, इंश्योरेंस वगैरह भी पेड है इसमें पूरा। ये किसकी कौन सी सेलिब्रिटी की गाड़ी है? ये सेलिब्रिटी के तो नहीं है, लेकिन जिसका भी गाड़ी है वो मैकेनिकल बहुत ही मेंटेन करके रखा है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी में हल्का फुल्का टचअप करना है, गाड़ी अभी आप लोग के सामने आया आधा घंटा पहले, तो वो हम लोग किए नहीं है, वो हम करवा देंगे, करवा देंगे। 13 नवंबर की गाड़ी है, 23 नवंबर तक टैक्स है, टॉप मॉडल भी। तो एक बार उस साइड से देखोगे ना, तो अब देखो कितनी गजब की लग रही है। 13 नवंबर 23 नवंबर तक टैक्स पेड है, ये भी टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है। तीनों गाड़ी, तीनों इको स्पोर्ट टॉप मॉडल, टाइटेनियम, और तीनों में पुश बटन नहीं, इसमें पुश बटन नहीं, चलो इसमें तो नहीं है। ये इसका प्राइस होने वाला है आपका 341,000 रुपीस। 341 में ये कब की बताया था गाड़ी? 13 नवंबर 23 नवंबर तक टैक्स पेड है। 13 नवंबर 23 नवंबर। एक्स्ट्रा फिटिंग है गाड़ी में, क्या क्या है इसमें? बेस ट्यूब है, लेदर सीट कवर है, क्रोम फिटिंग है, ठीक है। इसके अलावा आपका गाड़ी में बेस ट्यूब है, सोनी का, ये सोनी का म्यूजिक स्पीकर्स वगैरह लगा हुआ है, और बेस ट्यूब वगैरह लगा हुआ, लाइट फिटिंग है, और क्रोम वगैरह फिटिंग है। ये एक्स्ट्रा फिर भी 20-25 हज़ार तो लगता है। ये देखो भाई, ये लाइट है क्या फोर्ड की? नहीं ये लाइट नहीं है, ये ग्रिल है, ग्रिल लगी हुई है फोर्ड की। हाँ ये फोर्ड की ग्रिल लगी हुई है। चलिए तो इसकी प्राइस बता दी आपने, 341 इतनी ब्यूटीफुल कलर देख के मजा आ रहा है। अगर देखिए गंदा है गाड़ी हम लोग का, जैसे गाड़ी जो है हाँ रोड पे है, शेड पार्किंग नहीं है, थोड़ा गंदा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो वो हम लोग कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल कोई गाड़ी में इशू नहीं होगा, मैकेनिकल इशू किसी भी गाड़ी में कोई भी कस्टमर को फेस नहीं करना मिलेगा। ये वेंटो है क्या? गजब की लग रही है भाई, ये देख लो कलर, ये व्हाइट कलर की वेंटो है, 2011 की गाड़ी है, टॉप मॉडल हाईलाइन। मतलब ये मेरे को लग रहा है भाई रैपिड ऐसा क्यों लग रहा है, दूर से देखने में रैपिड लग रहा है। वॉक्सवैगन और स्कोडा दोनों एक ही मतलब प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, गाड़ी तो अच्छा है दोनों। अलॉय की वजह से रैपिड लग रहा है भाई, गजब की पूरी मैट ब्लैक की गई है, मैट ब्लैक फिनिश, अलॉय व्हील एक्स्ट्रा किया हुआ है, चारों टायर नया है। गाड़ी 11 की है, 26 तक टैक्स है, व्हाइट कलर, गाड़ी पूरा डोर टू डोर सील है, नॉन एक्सीडेंटल, कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है हम लोग के पास, गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है भाई, बिल्कुल। इसमें आपका 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा फिटिंग है, एंड्रॉयड टच स्क्रीन लगा हुआ है, टच स्क्रीन लगा हुआ है, क्या बात है। यहाँ पे एक बार देख लो आके, देखो कैसा है, ये देखो भाई गजब की लग रही है, ठीक है, हाइपरसोनिक का है, अरे वाह, मतलब जो कंपनी का लगा हुआ है ना भाई हाइपरसोनिक का, वो भी मतलब अच्छी कंपनी है हाइपरसोनिक की। और आगे में भी कुछ किया गया है क्या? नहीं आगे में कुछ नहीं है, ओरिजिनलिटी मेंटेन है, थोड़ा बहुत शौक से आदमी लगा लेता है, ठीक है। प्राइस तो बता दीजिए इसका, इसका प्राइस क्या होने वाली है बताइए? इसका जो प्राइस है 11 की वेंटो, 21-26 तक टैक्स, डीजल हाईलाइन टॉप मॉडल विद एक्स्ट्रा फिटिंग वर्थ 20-30,000 रुपीज़। इसका प्राइस होने वाला है 1,90,000 रुपीज़। 1,90,000 में 1,00,000-1,20,000 में ऑल्टो मिलता है भैया, बिल्कुल। तो 1,90,000 में आपको ये 90 में 26 तक टैक्स, 26 तक टैक्स, 2026 तक टैक्स किया हुआ, और 20-30 हज़ार का एक्स्ट्रा फिटिंग है। गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद क्या इको है? नहीं, ये बिक गई, हो चुका है, ये गाड़ी है, दिखा दीजिए, ये भी ये गाड़ी है, बट ये बुक हो चुकी है। होंडा सिटी क्या बुक हो गई है क्या? नहीं होंडा सिटी बुक नहीं हुई है। तो अब आगे अगली कार की तरफ, जो कि ये ब्यूटीफुल होंडा सिटी भी लेके आ गए। होंडा सिटी 2015 की गाड़ी है, 15 की गाड़ी है, टॉप मॉडल डीजल विद सनरूफ, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, अलॉय व्हील, एयर बैग, ABS, EBD, बहुत सारे फीचर्स एंड सो ऑन। ये सीडान में आज भी ड्रीम कार है, ड्रीम कार है। इसका आप देख सकते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील है, HID हेडलैम्प्स लगे हुए है, फोल्डेबल मिरर है, एयर बैग है, ABS है, ठीक है। गाड़ी में इंटीरियर में तकरीबन 50,000 रुपये का सीट कवर लगा हुआ है। 50,000? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया 50,000? सीट कवर विथ बिल दे देंगे हम, बिल भी देंगे। दिखाइए ज़रा सीट कवर कैसा है, 50,000 की सीट कवर देखो भाई, वाह।
ये आपका लग रही है 50,000 की लेदर की, इसके साथ मैच किया गया है, इसके साथ मैच किया हुआ है पूरा, लग रही है पूरी। ये देखो भाई 50,000 की, और इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब बैक में भी देख लो, बैक में भी देखो भाई, फूल से सजा हुआ गाड़ी है। ये देखिए पूरे फूलों से सजी हुई, गजब की लग रही है। सनरूफ दिखाए, अब सनरूफ इसका दिखाइए ज़रा, सनरूफ भी है, अरे वाह सनरूफ भी है, इसका सनरूफ देखिए आप। अब चंदन जी इसको खोल कर दिखाएंगे, अरे वाह इसमें तो पुश बटन स्टार्ट भी है, खुल गई है सनरूफ, खुल रही है, और टॉप मॉडल गाड़ी है तो भाई सनरूफ तो रहेगी, गजब की है। और आपने तो खुले छोड़ दिया, पानी वानी गिर जाएगी तब, कोई बात नहीं है, 50,000 की सीट कवर कब काम आएगी। हाँ तो इसकी प्राइस बता दो कब। इस गाड़ी में मैकेनिकल एक पैसे का काम नहीं है, एक नट जो होता है ना, एक नट का आवाज़ नहीं है इस गाड़ी में। कितने पैसे का काम है? 15 की गाड़ी, 25 टैक्स, टॉप मॉडल डीजल विद सनरूफ, स्क्रैचलेस गाड़ी है। ये एक जरा सा है वो पॉलिशिंग में चले जाएगा, ये एक जरा सा हम दिखा दे रहे हैं। हाँ। बहुत सारे डीलर्स हाइड करते हैं, बट हम इसको फोकस करके दिखा रहे हैं, ये जरा सा स्क्रैच है ये हम करवा देंगे। 15 की गाड़ी 25 तक टैक्स 4,95,000 में दे देंगे, 495 में, 495 ओनली, 4,95,000 में 15 की गाड़ी 25 तक टैक्स डीजल विद सनरूफ, सनरूफ देंगे भाई, काफ़ी सही प्राइस लग रही है। ठीक है, प्राइस आप एक बार पूरा मार्केट में पता कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं सबसे सस्ता देता हूँ, ठीक है, सस्ता देखिए, सस्ता का चक्कर में क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, प्राइस जो है रीजनेबल होना चाहिए, आपका गाड़ी का क्वालिटी से प्राइस मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए। राइट, राइट। कोई भी अगर जो बोलता है, मैं अपने आपके थ्रू में जितने भी आपके व्यूवर्स उनको बोल रहे हैं, कोई भी अगर बोलता है कि गाड़ी जो है मैं सबसे सस्ता देता हूँ, तो ये बात समझना है कि कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है अपने घर में, सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर जो सस्ता दे रहा बहुत ज़्यादा, समझिए कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ है। ठीक है, अब इसका एक और होंडा सिटी है क्या? तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है, ये क्या आखिरी गाड़ी है? हाँ ये आज की, अब इसके बाद दो और बता रहे थे ना, वो बता दीजिए वो दो गाड़ी, मैं बता दे रहा हूँ इसका। इसके बाद ये माइक्रा, ये है माइक्रा 2011 दिसंबर की, लाइफ टाइम टैक्स, टॉप मॉडल XB विथ पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील, एयर बैग, सारे फीचर्स इसमें आते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन में है, डीजल है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा है, डीजल होंडा सिटी डीजल और माइक्रा हैचबैक में बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड करता है, टॉप मॉडल गाड़ी है, पुश बटन में स्टार्ट भी है, आप एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए चाबी में, की में, कीलेस एंट्री, कीलेस एंट्री है, इसको एंट्री हो गई, और कि इसमें पुश बटन स्टार्ट भी है, एक बार देख लो क्या बात है। आपका मिरर्स जो है वो भी फोल्डेबल मिरर्स है, ऑल डोर पावर विंडो है, चार पावर विंडोज भी है, पावर विंडोज है। इसका प्राइस बता देने वाला है 1,65,000 ओनली, 1,65,000, 1,65,000 में 11 की लाइफ टाइम टैक्स, टॉप मॉडल पुश बटन स्टार्ट माइक्रा। अब चलते हैं, दो गाड़ी आप बता रहे थे, दो गाड़ी और है, एक XUV है, वो गाड़ी ला नहीं पाए हम लोग, वो गाड़ी हो सकता है कल आ जाएगा, उसका फोटोज मैं राजीव भाई को दे दूंगा। 2013 की XUV W8 सिल्वर कलर, टैक्स पेड तिल, 2023 तक टैक्स पेड है, टॉप मॉडल गाड़ी है, उसमें भी गाड़ी में आपका 50,000 का अलॉय व्हील एक्स्ट्रा फिटेड है। 50,000 का है, जैसे होंडा सिटी में सीट कवर है, होंडा सिटी का अलॉय व्हील भी एक्स्ट्रा फिटेड है, डायमंड का फिटेड, वही तो मेरे को लगा 17-18 की, बट आप सामने से अब देखोगे होंडा सिटी को तो 15 की मॉडल है, 15 की मॉडल है, बट एक्स्ट्रा लगाए, एक्स्ट्रा फिटेड है। ठीक है, XUV जो है 13 की गाड़ी, 23 टैक्स, W8 सिल्वर कलर गाड़ी जो होने वाला है, फिर से बोले 13 की XUV 23 तक टैक्स सिल्वर कलर, गाड़ी का प्राइस होने वाला है 4,20,000 रुपया, 4,20,000 में, 4,20,000 में 13 की 23 तक टैक्स XUV W8। तो अब आ गए अगली कार की तरफ, जो कि भाई ब्यूटीफुल क्रूज है, इस क्रूज के बारे में बताइए। ये क्रूज जो है राजा गाड़ी है, एकदम गाड़ी में एक भी पार्ट गाड़ी का रिपेंटेड नहीं है, फुल ओरिजिनल पेंट का गाड़ी है, सच बोल रहे हैं आप, एकदम सच बोल रहे हैं, आके देख लीजिएगा। सिर्फ बम्पर का ये पोर्शन जो है थोड़ा सा वो पोर्शन टचअप किया है, बाद बाकी गाड़ी का देखिए, कोई कुछ भी बोले, गाड़ी देख के भी, चाहे गाड़ी का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन गाड़ी देख के भी इंसान को पता चल जाता है कि गाड़ी कैसा है, तो ये गाड़ी देख के इंसान खुद समझ जाएगा गाड़ी कैसा है। गाड़ी जो है 2015 की गाड़ी है, वाइट कलर, ऑल वाइट में है, फुल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, पूरा डोर टू डोर सील गाड़ी है,
बहुत सारा फीचर्स लोडेड गाड़ी है, बहुत सारा फीचर्स भरा हुआ है। 2015 की गाड़ी है, 25 तक का टैक्स। किलोमीटर कितना है? किलोमीटर 71,000 किलोमीटर है। डीजल क्रूज 15 की गाड़ी, 25 तक टैक्स पेड। इंश्योरेंस भी 2023 तक पेड है। पॉल्यूशन भी एक साल पूरा पे किया हुआ है। इंटीरियर में लेदर सीट कवर लगा हुआ है, ठीक है। कितने में देंगे? गाड़ी का डिटेल्स बता दे रहे। गाड़ी जो है आपका ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। पुश बटन स्टार्ट है, सनरूफ है, क्रूज कंट्रोल है, स्टेयरिंग म्यूजिक कंट्रोल्स है, एयरबैग है, ABS है, EBD है, हिल क्लाइंब असिस्ट है, बहुत सारा फीचर्स है। और ये न्यू शेप का क्रूज है, न्यू शेप क्रूज है। 15 की गाड़ी, 25 टैक्स। दाम जो होने वाला है, नया का दाम था तकरीबन 22 लाख रुपया। दाम होने वाला है 4,65,000 रुपया। 4,65,000? 4,65,000 में ऑटोमेटिक क्रूज, वाइट कलर विथ सनरूफ। नहीं मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, इस कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, बहुत सही। का चक्कर में क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। प्राइस जो है रीजनेबल होना चाहिए, आपका गाड़ी का क्वालिटी से प्राइस मैच करना चाहिए, कोई भी अगर जो बोलता है। मैं अपने आपके थ्रू में जितने भी आपके व्यूअर्स उनको बोलना है, कोई भी अगर बोलता है कि गाड़ी जो है मैं सबसे सस्ता देता हूँ, तो ये बात समझना है कि कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है अपने घर में, सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर जो सस्ता दे रहा बहुत ज़्यादा, तो समझिए कुछ ना कुछ गाड़ी में गड़बड़ है, ठीक है। अब इसका एक और होंडा सिटी है क्या? तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? ये क्या आखिरी गाड़ी है? हाँ, ये आज की। अब इसके बाद दो और बता रहे थे ना, वो बता दीजिए वो दो गाड़ी मैं बता दे रहा हूँ इसका। इसके बाद ये माइक्रा, ये है माइक्रा 2011 दिसंबर की, लाइफ टाइम टैक्स, टॉप मॉडल, XB विथ पुश बटन स्टार्ट, अलॉय व्हील, एयर बैग, सारे फीचर्स इसमें आते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रैचलेस कंडीशन में है, डीजल है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है, माइलेज बहुत अच्छा है। डीजल होंडा सिटी डीजल और माइक्रा हैचबैक में बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड करता है। टॉप मॉडल गाड़ी है, पुश बटन में स्टार्ट भी है, आप एक बार दिखा दीजिए। चाबी में, की में, कीलेस एंट्री है, एंट्री हो गई। और इसमें पुश बटन स्टार्ट भी है, एक बार देख लो। क्या बात है। आपका मिरर्स जो है वो भी फोल्डेबल मिरर्स है, ऑल डोर पावर विंडो है, चार पावर विंडोज भी है। इसका प्राइस बता देने वाला है 1,65,000 ओनली। 1,65,000 में 11 की लाइफ टाइम टैक्स, टॉप मॉडल, पुश बटन स्टार्ट, माइक्रा। अब चलते हैं, दो गाड़ी आप बता रहे थे। दो गाड़ी और है, एक XUV है, वो गाड़ी ला नहीं पाए हम लोग, वो गाड़ी हो सकता है कल आ जाएगा। उसका फोटोज मैं राजीव भाई को दे दूंगा। 2013 की XUV, W8 सिल्वर कलर, टैक्स पेड तिल, 2023 तक टैक्स पेड है। टॉप मॉडल गाड़ी है, उसमें भी गाड़ी में आपका 50,000 का अलॉय व्हील एक्स्ट्रा फिटेड है। 50,000 का है, जैसे होंडा सिटी में सीट कवर, होंडा सिटी का अलॉय व्हील भी एक्स्ट्रा फिटेड है, डायमंड का फिटेड। वही तो मेरे को लगा 17-18 की, बट आप सामने से अब देखोगे होंडा सिटी को तो 15 की मॉडल है। 15 की मॉडल है, बट एक्स्ट्रा लगाया, एक्स्ट्रा फिटेड है, ठीक है। XUV जो है 13 की गाड़ी, 23 टैक्स, W8 सिल्वर कलर। गाड़ी जो होने वाला है फिर से बोले, 13 की XUV, 23 तक टैक्स, सिल्वर कलर। गाड़ी का प्राइस होने वाला है 4,20,000 रुपया। 4,20,000 में? 4,20,000 में 13 की 23 तक टैक्स XUV W8। तो गाइज आई होप कि आज का ये कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा कोहिनूर मोटर से। और कोई भी गाड़ी का इंक्वायरी करना होगा, कोई भी गाड़ी इंक्वायरी करना होगा बेझिझक होकर फ़ोन कीजिए, आके टेस्ट ड्राइव लीजिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपको चार्ज नहीं करने वाला उस चीज़ के लिए। टेस्ट ड्राइव लीजिए, सेटिस्फाइड होइए, प्राइस कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वेदर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। जहाँ तक एक बार टेस्ट ड्राइव लेने के बाद जो गाड़ी का क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, गाड़ी 100% कस्टमर लेंगे ही लेंगे। 100% अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो सिर्फ होता है गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह, मैकेनिकल कोई भी गाड़ी में एक पैसे काम नहीं है। स्क्रैचेस जो है हम लोग वो फिक्स करके देंगे। लोन वगैरह कर दोगे? लोन जो भी 13 के ऊपर गाड़ी है उस पर लोन हो जाएगा, 2013 के ऊपर की गाड़ी है उस पर लोन हो जाएगा। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल ओनली फॉर वेस्ट बंगाल कस्टमर्स, लोन हो जाएगा। एक्सचेंज भी अवेलेबल है, एक्सचेंज जो तो भैया बता ही दिए कि 75 टू 80% एक साल में कभी भी बेचना चाहते हैं गाड़ी, बेझिझक आकर लेके जाइए, विद इन 25 मिनट्स पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चंदन जी आज के इस कलेक्शन को दिखाने के लिए। तो गाइस चलिए फिर, थैंक यू सो मच।